हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे एप्पल की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो ये हमने लिया है एक एप्पल। अब हम इसका छिलका हटाएंगे और कट करेंगे। सी एवरीवन, हमने इसका छिलका हटाया और कट किया। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन किया, गैस के ऊपर एक पैन रखा हमने, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। अभी हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए थोड़ा। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, आप इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो कटा हुआ एप्पल है हमारे पास। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम पे है, लो फ्लेम पे पका रहे हैं हम इसको। अब हम इसको एक दो मिनट विदाउट मसाले को पकाएंगे। एक से दो मिनट हमने इसको ऐसे ही पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये हमने लिया है व्हाइट सॉल्ट, ये लिया है ब्लैक थोड़ा थोड़ा, और ये हमने लिया है मिर्ची पाउडर। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो थोड़ा तीखा कम ही डालें। जैसे मेरे बच्चे तो ये चटनी वगैरह नहीं खाते, बस मैं फिर भी कम ही मिर्ची का यूज कर रही हूँ। अच्छे से इसको चला देंगे और थोड़ा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। पानी का यूज हमने बिल्कुल नहीं किया है। तो मेरा जो एप्पल था वो एकदम फ्रेश था, तो इसलिए मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख लेना आपका जो एप्पल है वो कैसा है, तो आप पानी का यूज करें। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और एक दो मिनट वापस से पकाना है। अब हम इसको ओपन करेंगे। सी एवरीवन, हमारा जो एप्पल है वो देख सकते हैं आप, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें विनेगर। अब हम इन दोनों को अच्छे से चलाएंगे। हमने यहाँ पे चीनी और जो विनेगर है सिरका, उसका यूज किया है। चीनी का यूज हमने मीठे के लिए किया है और जो विनेगर है उसका यूज हमने खट्टे के लिए किया है। तो आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका यूज करें। मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने विनेगर थोड़ा ज़्यादा लिया है और चीनी कम। सो अभी हम इसको कुछ मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये जो हमारा एप्पल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इसके जो स्लाइस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। सो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा लुक आया है इसमें। अब हम इसको इस तरीके से इसको चमचे से वो कर लेंगे। अगर आपके पास मैसर है तो आप उससे भी कर सकते हो इस तरीके से। सो हमारी जो एप्पल की जो चटनी है वो बनके लगभग तैयार है। अब हम इसको बाउल के अंदर निकालेंगे। बन गई है ये, गैस को ऑफ कर देते हैं। सी एवरीवन, मेरी जो एप्पल की चटनी है वो बनके तैयार है, बाउल के अंदर आ चुकी है। ये खट्टी मीठी होती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और इसको देखते ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है।
सो आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।